जम्मू के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है। जब हालात बेकाबू होने लगे तो मजदूरों को समझाने के लिए आईपीएस शैलेंद्र मिश्रा ने मोर्चा संभाला। आईपीएस अधिकारी ने मजदूरों से भोजपुरी में बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो मिल मालिक से बात करके उनकी बाकी सैलरी दिलवाएंगे। वहीं आईपीएस शैलेंद्र मिश्रा की एक कोशिश सफल भी हुई और उनकी बात पर भरोसा करते हुए मजदूर अपने शिविर में लौट गए। आपका पेमेंट वाला मुताबा बकरी गाते मैनेजमेंट से हम बात कही नहीं आपसे तुरंत उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो हम बात कहता नहीं वो बात का पूरा हम प्रमाण मंगनी है कि स्टाफ के कितना सैलरी देने बननी नंबर एक एक मिनट स्टाफ ना फर्क समझा स्टाफ के पूरा मिलन सोल्यूशन खातिर होकर निराश खातिर हम भैया आयल बनी हम डंडा लेके नहीं आए जन्नी हम अकेले आयल बनी ये लोग के सब पीछे सार सब पीछे हो जाइए कोई यहाँ नहीं खड़ा होगा सब पुलिस वाले पीछे जाइए क्या करेंगे बात नंबर एक